आज पुस्तक के लेखक अरुण आनंद जी और प्रकाशक पीयूष जी और प्रभात जी, सभी को नमस्ते। उपस्थित सभी को नमस्ते। अरुण आनंद जी लगातार लिखते रहते हैं और हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो वो ऐसा ही लिखते रहे महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन के साथ। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर लिखा है, प्रासंगिक भी है और हमारे लिए विचारणीय भी है, उस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। दिलन साहब तो स्वयं फील्ड पर रहे और उन्होंने स्वयं इस बात का सामना भी किया है किस तरीके से देश पर आक्रमण और हुआ और होता है, उसका सामना किया है। हमें आप पर गर्व भी है और हमारी इस ताकत पर घमंड भी। आपने अच्छा शब्द दिया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दोनों पुस्तकें लिखते समय मैंने देखा भी, लगातार हर मुद्दे पर अरुण आनंद जी विचार भी करते हैं और कई सारे मूल विषयों को ढूंढने का प्रयास भी करते रहे, और इसलिए इसमें उन्होंने समय अच्छे से लिया है इन पुस्तकों को प्रकाशित करने में। ये मुझे लगता है कि आवश्यक है। कई लोग हैं कि जो लगातार किताबें लाते हैं और फिर वो लगातार आती और चली भी जाती है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसी पुस्तकें आनी है कि जो समझे और जिससे मूल बात पर चर्चा हो, तो उसके लिए ऐसा गंभीरता भी आवश्यक है। मुझे लगता है कि वो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब भारत एक ऐसा देश है कि जिसे स्वयं तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन दुनिया में जितने भी ऐसे विषय चल रहे हैं जो अनरिजॉल्व्ड है, मतलब जिन पर रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, उन पर समाधान का रास्ता भी भारत को दिखाना है। हर तरीके से होगा, मतलब देश को स्वाधीनता मिली, ब्रिटिश यहां से चले गए, उसको भी अब हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के स्वाधीनता के समय दुनिया के कई देशों में भी स्वाधीनता के आंदोलन चले। और ब्रिटिशों के राज में जब भारत को स्वाधीनता मिली, उसके बाद उसने जो एक आशा और विश्वास दुनिया भर के स्वाधीनता सेनानियों में जगाया था, उसके बाद बहुत सारे देशों में स्वाधीनता के आंदोलन भी चले, और खासकर अफ्रीका के देशों में, अपने आसपास के देशों में, और वो धीरे धीरे स्वाधीन भी हुए हैं। इसलिए भारत के स्वाधीनता आंदोलन को भी समझना आवश्यक है। हमारा स्वाधीनता आंदोलन, उसका स्वरूप काफी व्यापक था। ऐसा कहते हैं कि आप ऐसी स्वाधीनता जैसी बात जो होती है, वो जब देश के सारे लोग जब इसके बारे में विचार करते हैं, उनके मन में जब एक आशा होती है, एक आग्रह बनता है, और धीरे धीरे उनके मन में जब आंदोलन बनता है, तब जाके ऐसे ऐतिहासिक बात की प्राप्ति हो सकती है। मैं कई बार कहता हूं कि जब गली गली में लोग क्रिकेट खेलते हैं, तब सचिन तेंदुलकर उन्हें बनते हैं। ऐसे कोई किसी एक क्लब में चार लोगों ने खेल लिया, उससे नहीं होता है। तो ये देशभक्ति का जो जुनून होता है,
वो भी, और उसके लिए मर मिटने वाले लोग तब तैयार होते हैं जब वो बात हर हृदय में, हर घर घर में उसके बारे में साहस के साथ प्रयास किया जाता है। इसे हमारे स्वाधीनता आंदोलन को भी उस तरीके से देखना आवश्यक है। ये नहीं कि कोई एक समूह इकट्ठा आ गया और उसने कुछ कर दिया और उसी से हमें स्वाधीनता मिल गई, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि वो इतिहास न हमें भूलना चाहिए न भूलने देना चाहिए। देश के हर कोने में आप देश के जंगल के क्षेत्र में जाइए, ध्यान में आएगा कि हर जगह ऐसे वीर सेनानी है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, अभी मणिपुर में जाइए आप, कहां भी जाइए वहां पर मिलेंगे। तो देश के हर कोने में ये लड़ाई लड़ी गई। इसमें बहुत सारे समाज के हर वर्ग से नेता थे। और इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को दलीय राजनीति के या अपने स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के विचार से जो देखते हैं, वो मुझे लगता है कि हमारे स्वाधीनता के सेनानियों के साथ वो अन्याय होता था। और इसलिए हर तरह के लोगों का इसमें सहभाग था, सामान्य जन की ये इच्छा थी और इसलिए हम लोग स्वाधीन हुए। बहुत सारे पक्ष हैं, आईएनए के बारे में हम लोगों को नहीं बताया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में तो मतलब लगभग इतिहास के उन सारे सहभाग के जितने पक्ष थे उनको तो एक तरीके से जो घटनाएं स्वाधीनता के बाद घटित हुई उसमें तो उसको बिल्कुल दबाने का ही प्रयास हुआ, लेकिन इतिहास ऐसा दबाया नहीं जा सकता। अभी 12 जुलाई आने वाला है, 12 जुलाई 1922 को एक साल की जेल की सजा भुगतने के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी बाहर आए थे। नागपुर में उनके स्वागत में विशाल सभा हुई थी, अभी 12 जुलाई भी आएगा, एक विशाल सभा हुई थी। उस सभा में उद्बोधन करने के लिए मोतीलाल नेहरू भी आए थे, राजगोपाल आचार्य भी आए थे, बहुत सारे उस समय के नेता आए थे। अब ये बात भी देश के सामने आना आवश्यक है और ऐसी घटनाएं देश के हर कोने में हो रही थी। तो इसलिए ये बात कि कौन सिर्फ देश के कोने में कौन नेता कौन समाज क्या कर रहे थे, और वो कोई भी केवल अपने एरिया के लिए या अपने लिए नहीं कर रहे थे, उनका नारा यही था कि भारत को स्वाधीनता मिलनी चाहिए, भारत का गर्व बढ़ना चाहिए, ये उनकी मांग थी। और इसलिए पूरा आंदोलन एक स्व के लिए था, स्वभाषा स्वभूषा स्वदेशी, मतलब ये सारे स्व अपनी देशी शिक्षा, अलग अलग नाम थे लेकिन उसका स्वरूप बहुत व्यापक था। मुझे लगता है कि अब हमारे देश के इतिहास के बारे में हमारे विद्यार्थियों को इन सब की जानकारी मिलनी चाहिए। और इसलिए उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश पर किसने आक्रमण किया और कहां लड़ाई की। तो उनको सावरकर के बारे में भी उनको जानना जरूरी है, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानना जरूरी है, बिरसा भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी जानना जरूरी है, और मणिपुर के राजा कैसे अंडमान में संघर्ष करके करने के बाद उनको ब्रिटिशों ने अंडमान भेजा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की एकता को मजबूती करेगी। क्योंकि ये जो भाव हमारे अंदर आएगा कि इस स्वाधीनता के लिए देश के हर कोने से लड़ाई हुई, तो समझ में आएगा कि देश 47 के पहले भी एक था,
ये 47 में किसी ने एक नहीं किया या ब्रिटिशों ने एक नहीं किया। ये देश में राष्ट्रीयता की धारा सतत रूप से चल रही थी, जिसका परिणाम था हमारा स्वाधीनता आंदोलन, और स्वाधीनता आंदोलन का परिणाम था हमारी स्वाधीनता। ये क्रम बिल्कुल ठोस तरीके से समझना बहुत आवश्यक है, और इसलिए इतिहास के उन सब पन्नों को देखना पड़ेगा क्या क्या हुआ, और स्वाधीनता के 75 वर्ष जो हुए हैं अभी, उसमें जो घटनाक्रम हुए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेंडमेंट्स हुए तो कैसे हुए, हमारे संविधान में सेकुलरिज्म या समाजवाद शब्द आए तो कैसे आए, ये सब हमारे नई पीढ़ी को जानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर समझना आवश्यक है। स्वदेश का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये भी समझना बहुत जरूरी है नई पीढ़ी को। कई लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो, चर्चा होनी चाहिए हमारी नई पीढ़ी को, क्योंकि वो इसलिए जानना जरूरी है कि ताकि आगे ऐसी कोई बात ना हो देश में। हमारे देश में ये जानना भी जरूरी है कि 75 हमें हमारी ये यात्रा, देश के विकास की जो यात्रा है स्वाधीनता के पश्चात, वो यात्रा सही गति से चली या सही मोड़ पे चली या नहीं चली, आज हमें कहाँ पहुंचना था और हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या हम इससे आगे जा सकते थे, अगर नहीं गए तो उसके कारण भी क्या है, तो ये सब स्पष्टता हमारे आने वाली पीढ़ी को होनी चाहिए, ताकि वो अपनी अगली योजनाएं जब बनाएंगे तो वो विकास की वैसी योजना बनाएंगे, वो ये सुरक्षित करेंगे कि हमारे देश पर पुनः ऐसा आक्रमण न हो, हमारे देश के अंतर्गत ऐसी कोई शक्तियां न पनपे कि जो फिर से विभाजन की बात कर सके, फिर से आतंक की बात कर सके। देखिए, तालिबान को समझना हमारे लिए इतना इसलिए आवश्यक है कि वो घटना बिल्कुल हमारे पड़ोस में है। और वो घटना को केवल एक पॉलिटिकल घटना के रूप में हम नहीं ले सकते, पड़ोसी किसी देश में कोई राजनीतिक उथल पुथल हो गई, जिस देश ने केवल कट्टरपंथी धर्म के नाम पर 47 में भयंकर हिंसक ऐसे विभाजन को झेला हो, वो देश और वो देशवासी ऐसे घटनाक्रम को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते, और इसके लिए उसके तह में जाना आवश्यक है, उन घटनाओं को क्रम को जोड़ना आवश्यक है कि क्या उसके कोई सुर या उसके कोई सूत्र या उसके कोई तार हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, क्या हमारे देश में घटित हो रही घटनाएं उनसे जुड़ी हुई है, क्या वो तत्व जो ऐसी कट्टर ताकतों को सपोर्ट करते हैं अपने राजनीति के नाम पर या अन्य किसी स्वार्थ के कारण, क्या उनके तार इससे कहीं जुड़े हैं, देशद्रोह कौन सा है, देश के खिलाफ कौन सी बात है, इसके बारे में स्पष्टता से विचार करना आवश्यक है। इन बातों पर पर्दा डालने से कार्य नहीं होगा, वी कांट अफोर्ड इट, और इसलिए इस पर विचार करना आवश्यक है। देखिए, ये जो घटनाक्रम है तालिबान का, वो कोई रिएक्शनरी नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया इसलिए उससे उत्तेजित होकर ये घटना नहीं हुई है, ये घटना किसी बिना किसी उत्तेजना से दुनिया के कई देशों में घटित हो रही है, कहीं हमास आ रहा है, कहीं आईएस आ रहा है, कहीं तालिबान आ रहा है, हमारे देश में कहीं सिमी आ रहा है, कहीं पीएफआई जैसे संगठन आ रहे हैं, तो ये किसी उकसावे के कारण नहीं हो रहे। अगर कोई ऐसा समझता है तो मैं मानता हूं वो गलत है और उनको और अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये तालिबान की जो घटना है, इसको बहुत, इसका घटनाक्रम और इसके पीछे की मानसिकता, इसके पीछे की मान्यता, ये सब समझना आवश्यक है।
और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारे देश के ऐसे अध्ययन करने वाले, नीति निर्धारण करने वाले, मीडिया के लोग और सामान्य लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये अध्ययन बहुत आवश्यक है। और इसलिए स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के निमित्त के अवसर जब चल रहा हो, तब इस तरह की पुस्तक आना फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में, या देश और दुनिया में जब चिंता हो रही है कट्टरता की, तब तालिबान के बारे में एक विस्तृत इतिहास की पुस्तक आना मुझे लगता है कि काफी प्रासंगिक है और हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, हमारा देश जो है वो एक ऐसा एक देश है कि जो लगातार चलता आया और जिसने पूरी दुनिया के साथ ये संकल्प रखा कि हमारा संबंध प्रेम का रिश्ता है, सबके कल्याण का ही संकल्प हमारे मन में है। हम जितनी भी शक्ति अर्जन करेंगे उसका उपयोग हम लोग विश्व कल्याण के लिए करेंगे, लेकिन विश्व का कल्याण का मतलब केवल सेवा नहीं है। परित्राणा है साधुना, विनाश है जो दुष्कृता, मतलब आप किसी की सेवा कर रहे हैं और कोई आके उसको मार रहा है, कोई लूट के ले जा रहा है और आप रोज सेवा ही करे जा रहे हो, तो इससे सेवा पर्याप्त नहीं होती। सेवा या कल्याण तब पर्याप्त होता है कि आप जिसमें सेवा, जिसकी सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो जो उसको बार बार लूट कर उस परिस्थिति में डाल रहे हैं, उस स्थिति को रोकना भी आवश्यक है, तब ये सेवा पूर्ण होती है, अन्यथा वो अधूरी सेवा है। आप केवल किसी को, किसी की परिस्थिति में मदद करके आप अपने कर्तव्य पूर्ति को नहीं मान सकते। आपको यह देखना पड़ेगा कि वो परिस्थिति क्यों आ रही है, और इसीलिए आप एक अच्छे व्यक्ति को इतना मजबूत होना आवश्यक है कि वो अच्छे लोगों की मदद कर सके, और जो लोग शांति को बिगाड़ रहे हैं या जो लोग इस परिस्थिति को खराब कर रहे हैं उनको रोक भी सके। हम अपने राष्ट्र की कल्पना ऐसे करते हैं कि जो एक ऐसा मजबूत राष्ट्र, और हम एक स्वाधीन राष्ट्र है, इसलिए व्यक्तिगत रूप में हमें संविधानिक रास्ते उपलब्ध है हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए, और जहां कहीं ऐसे राष्ट्र पर हिंसक आक्रमण होते हैं उसके लिए हमारी विधिवत रचनाएं बनी है, संरचनाएं बनी है। स्वाधीनता के बाद हमने वो व्यवस्था भी पर्याप्त बनाई है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उनको इन संविधानिक रास्तों का प्रयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें अपने इन समस्याओं पर निश्चित रूप से उपाय खोजने पड़ेंगे, और क्योंकि शांति और समृद्धि ये दोनों एक साथ चलते हैं, और इसलिए उन विचारों को भी समझना आवश्यक है कि जो छुपे तौर पर ऐसे बातों का समर्थन करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा, और इसलिए इन सब बातों का गहराई से अध्ययन निश्चित रूप से सारे नीति निर्धारक जो लोग हैं या बौद्धिक जगत में जो कार्यरत है उन सबको करना चाहिए, और निरपेक्ष रूप से इसका विश्लेषण आवश्यक है। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से अरुणानंद जी की इस किताब ने आज वैसा एक विचार करने के लिए हम लोगों को सबको प्रवृत्त किया है, और जो मंथन देश में चल रहा है उसमें निश्चित रूप से उनके ये योगदान महत्वपूर्ण होगा। ऐसा ही विचार विमर्श आगे चलता रहे, इसके लिए मैं उनको पुनः एक बार शुभकामनाएं।